हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों, फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2016 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं इसके फाइनल कटअप पे, कितना कटअप हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल, इसमें कटअप का देखिये मेरे पास पीडीएफ आया हुआ है। देखिये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर 41,326 कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों 41,326 लोग दिए थे, जिसमें जो क्वालिफाई हुए हैं, पोस्ट का नाम देखिए है लोअर डिवीजन क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में 5,766 कैंडिडेट पास क्वालिफाइड हुए हैं स्किल टेस्ट में। और जो 344 कैंडिडेट और पास हुए हैं दोस्तों एडीओ इन डिपार्टमेंट अदर देन कैग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके सबसे पहला कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। कट ऑफ एंड द परसेंटेज ऑफ मिस्टेक इन टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, कोर्ट क्लर्क एंड पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखिए यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ एससी का 10%, एसटी, एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ओएच, एचएच और वीएच, इसका सभी का दोस्तों 10% मिस्टेक माफ की गई है। अर्थात आप यदि 10% तक मिस्टेक करते हैं, उसके बाद यदि करेंगे आप, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स लिखा हुआ है और यूआर का दोस्तों 7% माफ है। इसके बाद कट ऑफ सेकेंड देखते हैं, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स इन डेस्क फॉर डीईओ इन डिपार्टमेंट्स अदर देन कैग। ये देखिए यहाँ पे डीईओ के लिए दिया हुआ है, अदर देन कैग के लिए इसमें कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ओएस, वीएच और एचएच, ये सभी के लिए 7% मिस्टेक्स दोस्तों माफ है और यूआर के लिए 5% है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स, ये जो 7% माफ है, यदि आप 8% करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। थर्ड आते हैं दोस्तों, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द मिस्टेक्स इन डेस्क ऑफ द डीईओ इन कैग। इसमें देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ओएच, एचएच और वीएच, इसमें सभी में 10% मिस्टेक्स माफ है और यूआर का 7%। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें जो अब कितनी कितनी पोस्ट है और कितने वैकेंसी लोग फिल किया गया है, तो कैटेगरी में देखिये यूआर में 1473 पोस्ट थी, सभी पोस्ट फिल कर दिया गया है। एससी में भी 421 पोस्ट थी, 421 लोग कैंडिडेट रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। एसटी में 241 पोस्ट थी, इसमें भी सभी लोग हो गए हैं, ये एलडीसी में बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 743 था, इसमें 743 लोग रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। टोटल दोस्तों देखेंगे तो जो एलडीसी में थी वो 2878 पोस्ट थी और टोटल कैंडिडेट रिकमेंडेड कर दिए गए हैं, अर्थात इसमें कोई भी पोस्ट बाकी नहीं है। लेकिन एक्स सर्विसमैन में देखेंगे 349 पोस्ट थी, लेकिन केवल 99 लोग ही रिकमेंडेड किए गए हैं और जो पोस्ट है वो बाकी रह गई है, तो ये 2017 में इसको ऐड कर दिया जाएगा। ओएच में देखिए 37 है, इसमें टोटल 37 हो गया। एचएच में देखिए एक पोस्ट बाकी रह गई है, 2017 में इसको जोड़ दिया जाएगा। वीएच में टोटल है 24 पोस्ट है, 24 कैंडिडेट रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। चलिए कोर्ट क्लर्क की बात करते हैं, कोर्ट क्लर्क में देखिये 13 पोस्ट थी यूआर की और कैंडिडेट रिकमेंडेड 13 हो गए हैं टोटली, और एससी में 3 थी, तीनों कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, तीनों पोस्ट भरी गई है। एसटी में दोस्तों 2 पोस्ट थी, दोनों पोस्ट भरी गई है। ओबीसी में 7 पोस्ट थी, 7 पोस्ट भरी गई है। टोटल पोस्ट 25 थी और 25 पोस्ट रिकमेंडेड कर दी गई है। एक्स सर्विसमैन में 0 था, ये सब था, और वीएच वाले में भी दोस्तों 1 पोस्ट थी और 1 पोस्ट सभी भर दी गई है। चलिए पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करते हैं। यूआर में 1840 पोस्ट थी और 1840 पोस्ट फिल कर दी गई है। एससी की 474 थी, इसको भी फिल कर दी गई है पूरा। एसटी की देखिए 237 पोस्ट थी, इसको भी इसमें भी पूरी फिल कर दी गई है। ओबीसी के 744 इसमें भी पूरी फिल कर गई है। तो और टोटल देखेंगे तो 3295 पोस्ट थी और 3295 कैंडिडेट रिकमेंडेड कर दिए गए था, जिसमें कोई पोस्ट बाकी नहीं है। एक्स सर्विसमैन में देखिए 323 पोस्ट थी और 303 कैंडिडेट रिकमेंडेड किए गए हैं, अर्थात 20 कैंडिडेट बाकी, 20 पोस्ट बाकी है जिसको 2017 में जोड़ दिया जाएगा। ओएस में 37 है टोटल, इसमें भी रिकमेंडेड है। एचएस में 38 है, 3800 पोस्ट रिकमेंडेड है। वीएच में 38 है, इसमें टोटल पोस्ट रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं डाटा डीओ इन कैग की, तो यूआर में 252 पोस्ट थी और इसमें केवल 99 कैंडिडेट रिकमेंडेड किए गए हैं। एसटी में देखिए 75 पोस्ट थी और 28 पोस्ट रिकमेंडेड की गई है। एसटी में देखिए 38 पोस्ट थी और 10 केवल कैंडिडेट रिकमेंडेड किए गए हैं। ओबीसी में 135 थे, 86 कैंडिडेट रिकमेंडेड किए गए हैं। तो टोटल देखेंगे तो 500 पोस्ट थी और जो कैंडिडेट रिकमेंडेड किए गए हैं वो 223 केवल पोस्ट फिल की गई है और रिस्ट जो है बच गई है, तो 2017 में ऐड हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन में 50 थी, केवल 4 कैंडिडेट इसमें फिल किए गए हैं, 4 पोस्ट फिल की गई है। ओएच में 5 थी, 3 पोस्ट फिल की गई है। एचएच में 5 पोस्ट थी, 1 पोस्ट फिल की गई है। वीएच में 5 थी, टोटल पोस्ट फिल की गई है। और दोस्तों नीचे आप देखेंगे और एक डाटा एंट्री डीओ इन डिपार्टमेंट अदर देन कैग, इन
कैग था ये अदर देन कैग है। इसमें देखिए ओ एच वी आर यू आर में देखिए यहाँ पे देख रहे हैं छह था, छह पोस्ट फिल है। एस सी में तीन था, तीनों पोस्ट फिल है। एस टी में एक पोस्ट था, ये टोटल पोस्ट फिल है। ओबीसी में जीरो था, टोटल जो दस पोस्ट था और दस पोस्ट सभी फिल कर दी गई है। इसमें एक सर्विसमैन में एक था और वी एच एच में एक था, तो सारी पोस्ट इसमें फिल कर दी गई है दोस्तों। और आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आपको पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कितनी कितनी पोस्ट थी कि कितना लोअर मार्क्स है। देखिए आप यहाँ पे पोस्ट प्लस डिपार्टमेंट कोड लिखा हुआ है L01, वैकेंसी दो थी, फील्ड जो है टोटल ही जो पोस्ट दोनों पोस्ट फिल कर दी गई है, कैटेगरी छह है और जो लोअर मार्क्स है वो 204 नंबर है। ऐसा L01 है, L02 है, सभी इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी PDF में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली यही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो बताया था वो परसेंटेज आप मार्क्स से लिखा हुआ है, जो परसेंटेज आप जैसे 10% लिखा हुआ तो माफ लिखा हुआ है कि कितने परसेंट माफ किया गया है टाइपिंग टेस्ट में जो एरर आप लोग होता है। तो फाइनली यही दोस्तों है, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं SSC से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।